हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एजुगेन। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, ये चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक में से है, अ लेटर टू गॉड, और इनके राइटर हैं जी एल फ्लुएंस, जो कि एक मैक्सिकन पोएट, राइटर और जर्नलिस्ट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, और अगर आप क्लास 10th में नहीं हैं फिर भी आप स्टोरी को ज़रूर सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी की थीम है अनक्वेश्चनेबल फेथ ऑन गॉड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी के मेन करेक्टर की ओर। तो लेंचो ही हमारे चैप्टर का मेन करेक्टर है। दोस्तों, लेंचो एक अमेरिकन फार्मर है जो कि हिल्स के ऊपर रहता है। इस बार लेंचो ने अपने फार्म्स में कॉर्न्स बीजे हुए हैं। दोस्तों, वो सोचता है अगर इस बार अच्छी बारिश हो जाए तो उसको बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो थोड़ी देर में बादल छा जाते हैं और लेंचो की फैमिली खुश हो जाती है कि इस बार बारिश सिल्वर कॉइंस के रूप में पड़ेगी। तो इतने में लेंचो की वाइफ कहती है कि अगर गॉड ने चाहा तो हमारा प्रॉफिट जरूर होगा। इतने में बारिश शुरू हो जाती है, पर बारिश के बाद आता है एक सैड मोमेंट। दोस्तों, क्या होता है कि जो बारिश होती है वो धीरे धीरे हेल स्टॉर्म का रूप ले लेती है और लेंचो की सारी फील्ड बर्फ से ढक जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे सारी फील्ड को किसी ने सॉल्ट से कवर कर दिया हो। तो इतने बड़े लॉस के बाद लेंचो की सारी फैमिली बहुत ही निराश हो जाती है और वो सोचते हैं कि अब तो हमारी रोजी रोटी भी चलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लेंचो की फैमिली की आखिरी उम्मीद गॉड से रह जाती है, क्योंकि लेंचो को गॉड के ऊपर बहुत फेथ होता है कि गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे। और अब लेंचो सोचता है कि मुझे गॉड को लेटर लिखना चाहिए, और उसमें वो लिखता है, डियर गॉड, प्लीज हेल्प मी, दिस टाइम आई हैव नो फूड टू ईट एंड नो वे टू फीड माई फैमिली। और लेंचो इस लेटर में ये भी मेंशन करता है कि गॉड, अगर आप मुझे 100 पैसोस भेज देते हैं तो मैं अपनी फैमिली का गुजारा आराम से कर पाऊंगा और नई सीड्स लेकर उन्हें सो करके नई फसल उगा पाऊंगा। तो अब लेंचो लेटर लिखकर उसको पोस्ट कर देता है। तो पोस्टमैन उसके लेटर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और लेटर को जाकर पोस्ट मास्टर को दे आता है। और जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोल कर पढ़ता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है लेंचो का गॉड की तरफ फेथ देखकर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पोस्ट मास्टर की, तो वो बहुत ही एक काइंड हार्टेड पर्सन होता है और वो उस लेटर को पढ़कर लेंचो की हेल्प करना चाहता है, पर 100 पैसोस उसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अपनी ऑफिस की सारे एम्प्लॉयज से बात करता है और उन्हें इस लेटर के बारे में बताता है, और वो अपनी सैलरी में से बहुत ही बड़ी अमाउंट इसमें डालता है, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ 70 पैसोस इकट्ठे होते हैं। तो पोस्ट मास्टर एनवलप में 70 पैसोस डालकर गॉड की तरफ से साइन कर देता है और वो उस लेटर को पोस्ट कर देता है। तो अब संडे का दिन आ जाता है और लेंचो पोस्ट ऑफिस में जाता है अपना लेटर देखने। तो वो लेटर देखने के बाद बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे अनक्वेश्चनेबल फेथ होता है गॉड पर। और अब दोस्तों आती है ह्यूमर की बात। दोस्तों, अब ये जो ट्विस्ट आता है, क्योंकि लेंचो जब लेटर को खोलकर उसमें पैसे गिनता है तो वो 70 पैसोस निकलते हैं, तो वो बहुत ही गुस्से में आकर एक और लेटर गॉड को लिख देता है। वो उसमें लिखता है कि गॉड, आपने मेरे को पैसे भेजे, बहुत थैंक यू, पर मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस ही पहुँचे हैं, मुझे बाकी के 30 पैसोस भी भेज दीजिए। इस बार आप प्लीज़ मुझे पोस्ट के थ्रू ना भेजें, क्योंकि उसे अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसे लगता था कि इस बार पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके 30 पैसोस चोरी कर लिए हैं और उन्हें वो एकदम बंच ऑफ क्रूक्स भी कह देता है। तो यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है और हमारे राइटर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि जब पोस्ट मास्टर इस लेटर को दोबारा से पढ़ेंगे तो वो लेंचो के 30 पैसों और उसे देंगे या फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अपने सच्चे मन से चाहेंगे तो वो हमें ज़रूर मिलती ही मिलती है, और आज भी अर्थ के ऊपर इंसानियत ज़िंदा है।